झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां बारिश होने से देरी की वजह से किसान खरीफ की बुआई को लेकर चिंतित है, वहीं अदरक उत्पादकों के लिए राहत की खबर है। इस समय राज्य में किसानों को अदरक का अच्छा रेट मिल रहा है। किसानों का कहना है प्याज की गिरती कीमतों ने रुलाया है, तो अब अदरक के अच्छे दाम से राहत मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अदरक की खेती औरंगाबाद, जालना और सतारा जिले में होती है। जालना जिले के रहने वाले एक किसान ने बताया कि पिछले साल अदरक का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था। वही बता दें कि अदरक के इतने कम दाम मिलने से जिले के ज़्यादातर किसानों ने इसकी खेती करना बंद कर दिया था। अदरक की खेती करने में प्रति एकड़ 50,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का खर्च आता है। इसके अलावा परिवहन का खर्च ही 3,000 तक जाता है और अदरक के बीज के लिए 5,000 रुपये लग जाते हैं। ऐसे में अब अदरक का भाव अच्छा मिल रहा है तो इससे राहत मिली है। बारिश में किसान अपने अदरक को बाजार तक नहीं ले जा पाते हैं और खेतों में मजदूर भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में वहीं महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक नासिक जिले में अदरक का दाम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि अधिकतम 4,500 रुपये था। वहीं 28 जून को नागपुर में किसानों को इसके दाम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,500 रुपये के रेट में मिला। जलाना जिले में भी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट किसानों को मिल रहा है। वहीं जलाना जिले के किसान ने बताया कि 2 साल पहले अदरक का रेट 8,000 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही दामों में गिरावट का दौर शुरू हो गया, जिससे किसानों ने इसकी खेती की ओर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अदरक को रिकॉर्ड रेट मिलता देख किसान फिर से इसकी खेती कर सकते हैं। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अदरक के दामों में और बढ़ोतरी होगी। फिलहाल जिले में किसानों ने खरीफ में सोयाबीन, कपास और मक्के की बुआई पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।